गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस योर मैथ्स क्लास एंड टुडे वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर, चैप्टर 3 सब्ट्रैक्शन। कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं ना, हम पढ़ते हैं जैसे सब्ट्रैक्शन के बारे में। सब्ट्रैक्शन क्या होता है? सब्ट्रैक्शन होता है किसी दो नंबर में से एक, दो नंबरों में एक लार्जर नंबर होता है, एक स्मॉलर नंबर होता है, तो लार्जर नंबर में से स्मॉलर नंबर को हम माइनस करते हैं, वही सब्ट्रैक्शन होता है। ओके, अब देखिए जिस नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं उसे क्या बोलते हैं? सब्ट्रैहेंड। और जिस नंबर में से सब्ट्रैक्ट करते हैं उसे बोलते हैं माइन्यूहेंड। कि ये सब्ट्रैहेंड, ये माइन्यूहेंड। और जो हमारा माइनस का सिंबल होता है वो होता है ये वाला, ये हमारा माइनस का सिंबल होता है सब्ट्रैक्शन का। और जो सब्ट्रैक्ट करके आंसर आता है उसको हम डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, हम इसको करते हैं, इसकी एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, इसको हम करते हैं। फिर ए पार्ट है 34 माइनस डैश इक्वल टू 14। तो हमें क्या करना है? देखिए इसमें सब्ट्रैहेंड दिया, माइन्यूहेंड दिया हुआ है और डिफरेंस दिया हुआ है, हमें सब्ट्रैहेंड पता करना है। तो हम कैसे करेंगे? माइन्यूहेंड में से डिफरेंस को माइनस कर देंगे तो हमारा सब्ट्रैहेंड आ जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे हम? एक्सरसाइज 3.1 ए पॉइंट 34 माइनस डैश इक्वल टू 14, ये है ना। तो क्या करेंगे, माइन्यूहेंड में से डिफरेंस को माइनस कर देंगे। 34 माइनस 14 वन, 4 माइनस 4 0, 3 माइनस 1 0, तो हमारा सब्ट्रैक्ट क्या आ गया? ये आ गया। ठीक है, यहाँ पर हम क्या भर देंगे? 0। ओके, इसको हम बुक में ही भरते हैं, यहाँ पे 20 लिख देंगे। ऐसे ही बी पार्ट है, बी पार्ट 78 माइनस डैश इक्वल टू 42, इसमें से भी हम यही करेंगे, माइन्यूहेंड माइनस डिफरेंस। कितना हो जाएगा हमारा? 78 माइनस 42, 8 माइनस 2 6, 7 माइनस 4 3, तो कितना हो गया? 36। ऐसे ही हम ये वाला करेंगे, 94 माइनस डैश इक्वल टू 8, कितना हो जाएगा? 4 माइनस 8 नहीं होगा, तो इधर से कह ली 14 माइनस 8 6, और यहाँ पर 8 रह गया, 86 आंसर आ गया। अब है डी पार्ट 39 प्लस 83, 39 प्लस डैश इक्वल टू 83, ये प्लस का समय, तो हम क्या करेंगे इसमें? 83 में से ये माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ का ये नंबर निकल आएगा, मिसिंग नंबर। देखिए 83 माइनस 39 कितना हो जाएगा? 3 माइनस 9 नहीं होगा, तो इधर से कैरी ली 13 माइनस 9 4, यहाँ बच्चा 7, 7 माइनस 3 4, आंसर कितना आ गया? 44। ओके, ई पार्ट ये भी प्लस का दिया हुआ है लेकिन हमें मिसिंग नंबर है, तो इसके लिए हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, डिफरेंस में से माइन्यूहेंड को माइनस करना पड़ेगा। तो 21 प्लस डैश इक्वल टू 74, तो हम क्या करेंगे? 74 में से 21 को माइनस करेंगे, 4 माइनस 1 3, 7 माइनस 2 5, आंसर 53। एफ पार्ट 46 प्लस डैश इक्वल टू 93, इसमें से भी हम ये करेंगे डिफरेंस माइनस माइन्यूहेंड, 93 माइनस 46 इक्वल टू 3 माइनस 6 नहीं होगा, तो क्या करेंगे? इधर से कैरी ली 13 माइनस 6 7, यहाँ बच्चा 8, 8 माइनस 4 4, आंसर 47। ओके, अब देखिए हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? देखिए व्हेन व्हेन जीरो इज
सब्ट्रैक्ट फ्रॉम अ नंबर द डिफरेंस इज द नंबर इटसेल्फ। हम किसी नंबर में से जीरो को माइनस करते हैं तो आंसर हमारा सेम वही नंबर आ जाता है। किसी नंबर में से हम जीरो को माइनस करते हैं, व्हेन जीरो इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर द डिफरेंस इज द नंबर इटसेल्फ। हम किसी नंबर में से जीरो को माइनस करेंगे तो आंसर हमारा जीरो ही आए, वही सेम नंबर आ जाएगा, इटसेल्फ नंबर आ जाएगा। जैसे 399 माइनस जीरो तो आंसर क्या हो जाएगा 909 और 3, सेम नंबर हमारा यही आ जाएगा। अगर हम किसी नंबर में से 1 को माइनस करते हैं तो आंसर हमारा क्या आएगा, जस्ट बिफोर नंबर आ जाता है। 588 माइनस 1 इक्वल टू 8 माइनस 1 7, और इस 8 ऐसे ही आ गया या 5 ऐसे ही आ गया तो हमारा जस्ट बिफोर नंबर आ जाता है। ठीक है, अगर हम किसी नंबर को उसी नंबर से करते हैं माइनस करते हैं तो हमारा आंसर भी आंसर क्या आता है, जीरो आ जाता है। 8 माइनस 8 जीरो, 3 माइनस 3 जीरो, 4 माइनस 4 जीरो। हम किसी नंबर में से उसी नंबर को माइनस करते हैं तो आंसर हमारा जीरो आता है, और किसी नंबर से जीरो को माइनस करते हैं तो आंसर वही इटसेल्फ नंबर हो जाता है। ठीक है, ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। अब है एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखिए जो मैंने अभी चीजें बताई हैं सेम वही करनी है इसमें। देखिए ये हमारा नंबर दिया हुआ है 342 माइनस 342, 342 में से माइनस 342 करना है तो आंसर क्या आएगा हमारा, जीरो आ जाएगा ना, तो यहाँ पर जीरो। बी पार्ट 1947 माइनस जीरो, तो जीरो को माइनस करना है ना, हमारा आंसर क्या जाएगा, ये वाला इटसेल्फ नंबर आ जाएगा 1947। सी 49 माइनस 1 इक्वल टू, किसी नंबर में से हम 1 को माइनस करते हैं तो हमारा जस्ट बिफोर नंबर आ जाता है ना, तो 49 का जस्ट बिफोर नंबर क्या हुआ, 48। देखिए 9 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 8, और ये 4 आ जाएगा तो 48। डी पार्ट 6123 माइनस 6123, किसी नंबर में से सेम नंबर को माइनस करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, जीरो। ई पार्ट है ये वही है, 1 माइनस करने पर तो जस्ट बिफोर नंबर आ जाएगा हमारा 5018 माइनस 1 तो इक्वल टू 5017, 18 है, 18 माइनस 1 माइनस हो गया तो 17 आ गया, 5000 यहाँ ऐसे ही आ जाएगा। एफ पार्ट 734 माइनस 1 तो जस्ट बिफोर नंबर क्या आ जाएगा, 4 माइनस 1 3 आ जाएगा, तो यहाँ 733 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 169 माइनस 0 इक्वल टू 169 ही आ जाएगा, क्योंकि 0 कुछ भी नहीं होता है, 0 को माइनस करना हमारा सेम नंबर आ जाता है। 98 माइनस 98 इक्वल टू 98 में से हम 98 को माइनस कर देंगे तो हमारा 0 आंसर आएगा। देखिए हम किसी, जैसे हमने आपको दो पेंसिल दी और हमने उसमें से दो पेंसिल वापस ले ली तो आपके पास क्या बचा, 0 बचा ना, तो ये वही सेम चीज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मिसिंग नंबर। अब हमें ये मिसिंग नंबर देखने हैं। ए पार्ट 406 माइनस डैश इक्वल टू 0, जीरो आंसर हमारा कब आता है, जब हम उसी नंबर को माइनस करते हैं, सेम नंबर को इटसेल्फ नंबर से माइनस करते हैं तो हमारा जीरो आता है, तो यहाँ क्या जाएगा 406। सी बी पार्ट 1872 माइनस डैश इक्वल टू
71 आ रहा है ना, यहाँ 72 है, तो क्या हुआ, जस्ट बिफोर नंबर कब आता है, जब हम 1 माइनस करते हैं, तो यहाँ पर 1 आ गया। सी पार्ट डैश माइनस 616 इक्वल टू 0। अब 0 डिफरेंस है, तो 0 डिफरेंस कब आता है, जब हम इट सेल्फ नंबर्स में से सेम नंबर माइनस करते हैं, तो हमारा 0 आ जाता है, तो हमारा ये नंबर यहाँ पर आ जाएगा 616। डी पार्ट 4500 डैश माइनस 1 इक्वल टू 4561। अब 4561 में से हम आंसर आया है 1 माइनस करके, तो हमारा यहाँ पर क्या आएगा, माइनस क्या हो जाएगा हमारा, जस्ट बिफोर नंबर होता है ना, जब हम माइनस कर 1 माइनस करते हैं, तो हमारा क्या जाएगा, यहाँ जस्ट आफ्टर आ जाएगा, क्योंकि इसको यहाँ हम प्लस कर देंगे, 4561 को 1 प्लस कर देंगे, तो हमारा यहाँ आंसर आएगा 4562। ओके, अब ये नीचे के दो पार्ट आप अपने आप करेंगे, और जो ना समझ में आए वो मुझसे पूछेंगे। आगे एक्सरसाइज मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।